उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को योग दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ का दर्शन किया, तत्पश्चात अपने गुरु राज संत महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर माथा टेका। गोरखनाथ मंदिर में चल रहे योग शिविर समापन कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें महायोगी गोरखनाथ योग संस्थान एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक योग प्रशिक्षण शिविर एवं योग अध्यात्म शैक्षिक कार्यशाला के समापन समारोह के अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी शैक्षिक संस्थाओं के संस्था अध्यक्षों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के प्रबंधक मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग के सूत्रों को पकड़कर शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किया जा सकता है। योगी की तरह ही योग के सिद्धांतों का आत्म साक्षात्कार करते हुए शिक्षक एवं संस्था अध्यक्ष अपनी अपनी संस्थाओं में व्यक्ति निर्माण का लक्ष्य पूर्ण कर सकते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं को मानक शिक्षण संस्थान बनाने में हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयत्नों से वैश्विक मंच पर योग की परंपरा प्रतिष्ठित हुई है। भारत की योग परंपरा में भारतीय संस्कृति एवं भारत की ऋषि परंपरा समाहित है। दुनिया में योग की स्वीकार्यता भारत का सम्मान है, भारत की 130 करोड़ जनता का सम्मान है, भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का सम्मान है। गोरखपीठ एक योग पीठ है। महायोगी गोरखनाथ एवं नाथ पंथ के योगियों द्वारा व्यवहारिक योग के प्रतिपालन में आम जन के लिए योग को सर्व सुलभ बनाया। जिस व्यवहारिक योग का प्रतिपादन गोरखपीठ ने किया, वह किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था, किसी भी समाज एवं राष्ट्र के उत्थान एवं उत्कर्ष का मूल मंत्र है। योगी आदित्यनाथ ने अष्टांगिक योग के सूत्रों को शिक्षा संस्थाओं से जोड़ते हुए कहा कि यम और नियम हमारे शिक्षा का पहला कार्य है। संस्था अध्यक्ष एवं शिक्षक स्वयं की आंतरिक एवं बाह्य शुद्धता के साथ संस्था के परिसर की बाह्य और आंतरिक शुद्धि की प्रेरणा योग के यम नियम से प्राप्त कर सकते हैं, और बिना आंतरिक एवं बाह्य शुद्धि के कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सकता है। शिक्षण संस्थाओं को अपनी कक्षाओं को उपासना गृह के रूप में विकसित करना होगा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती में हमें उनके दिए 4 सूत्रों स्वच्छता, स्वदेशी, स्वरोजगार एवं स्वावलंबन को अपनी विकास यात्रा का सूत्र बनाना होगा। योग के आदि आचार्य भगवान शिव की परंपरा में भगवान शिव ने योग की जिस परंपरा का सूत्रपात किया था, आम जन के लिए उस योग की परंपरा को महायोगी भगवान गोरखनाथ जी ने सर्वसुलभ कराया था। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन जहां योग का दार्शनिक पक्ष प्रस्तुत करता है, तो महायोगी गोरखनाथ जी का योग उसका व्यवहारिक पक्ष सबके सामने प्रस्तुत करते हुए आम जन के जीवन में
हर देश, हर काल, हर परिस्थिति, हर प्रकृति के लोगों के जीवन में एक नई दिशा और एक नया उत्साह और एक नई उमंग पैदा करता है। तो स्वाभाविक रूप से गोरखस्पीठ के लिए योग कोई नया शब्द नहीं है। योग की परंपरा से जुड़े हुए यहाँ के संतों की, यहाँ के योगियों की परंपरा सदैव से इस परंपरा के साथ जुड़ी रही है। इसलिए उस परंपरा के साथ जुड़ना अपने सिद्धि और अपने चमत्कारों के माध्यम से मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाली अपनी स्वाभाविक रूप से योग की इस परंपरा के साथ जुड़ने में स्वयं भी प्रफुल्लित होती है, गौरवान्वित महसूस करती है। यह विगत कुछ दिनों, कुछ वर्षों से यहाँ पर चलने वाले विशेष योग शिविरों के माध्यम से और प्रतिवर्ष योग दिवस